रेसिपी है कुरकुरी भिंडी या क्रिस्पी भिंडी। इन्हें स्पेशली पकवान के साथ बनाया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ रेनू और रेनू की रसोई में आपका फिर से स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी आने वाली हर नई अपडेट के लिए इसे सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो इन्हें लाइक एंड शेयर करें। कुरकुरी या क्रिस्पी भिंडी बनाने के लिए हम यहाँ पर लेंगे 200 ग्राम भिंडी। इन्हें हमने अच्छे से धो लिया है, साफ कर लिया है। अब हम इनको वन बाय वन अच्छे से पोंछना शुरू करेंगे, जिससे कि इनमें जो नमी रहती है वो निकल जाए। अब हम इसके डंठल कट करेंगे इस तरह, और एक भिंडी में से चार पीस कट करेंगे इस तरह से। दोस्तों, अगर भिंडी पकी हुई है तो ही उसके बीज निकालने हैं, अदरवाइज उसे एज इट एज यूज करना है। यहां हम आपको बीज निकाल कर दिखा रहे हैं, देखिए इस तरह से बीज को निकाल दें और एक भिंडी में से चार पीस कट करने हैं। इसी तरह हम सभी भिंडी को कट कर लेंगे। ये देखिए, हमने सारी भिंडी कट कर ली हैं। अब हमें एक बाउल लेना है। हम बाउल में इन भिंडी को इस तरह से डाल देंगे। इसके बाद हम इनमें मसाले मिलाना शुरू करेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले मिलाएंगे एक छोटी चम्मच नमक। इसके बाद हम इसमें डालेंगे एक बड़ी चम्मच बेसन। फिर हमें इसमें ऐड करना है एक छोटी चम्मच अरारोट या कॉर्न स्टार्च, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। इसके बाद ऐड करना है आधी छोटी चम्मच गरम मसाला, और लास्ट में आधी छोटी चम्मच हल्दी। इसके बाद हम इसमें आधी चम्मच आमचूर पाउडर और मिक्स करेंगे। ये देखिए, हमने सभी मसालों को इसमें ऐड कर लिया है। अब हम इन्हें हाथों से अच्छे तरीके से मिला देंगे। अब हमने ऑयल को गैस पर गर्म होने के लिए रख दिया है। ऑयल अब गर्म हो चुका है। अब हम गैस की फ्लेम को लो मीडियम कर लेंगे। इसके बाद हम कढ़ाई में डालेंगे भिंडी, जो हमने पहले से मैरिनेट की हुई थी। इस तरह हाथों से अलग अलग करते हुए हम सभी भिंडी को कढ़ाई में डाल देंगे। याद रखें, एक साथ हमें भिंडी नहीं डालनी है, वरना वो आपस में चिपक जाएंगी। और भिंडी को लो मीडियम फ्लेम पर ही हमें डीप फ्राई करना है। कलर अब चेंज हो रहा है। आप देख सकते हैं भिंडी अब क्रिस्पी होने लगी है। ये देखिए, अब हम इन्हें एक बर्तन में निकाल लेंगे इस तरह। अब हमें इसमें डालना है एक छोटी चम्मच चाट मसाला और आधा नींबू का रस। याद रखें, चाट मसाला और नींबू हमें लास्ट में ही डालना है। इसके बाद हम इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो लीजिए दोस्तों, तैयार है क्रिस्पी भिंडी या कुरकुरी भिंडी। इसे आप पकवान के साथ जरूर बनाएं।
और ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। इसमें टेंगी और यमी दोनों ही टेस्ट आते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे